अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से हैं परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। रामविलास, लोजपा के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सिवान पहुंचे। न्यायालय के कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान की हत्या मामले को लेकर चिराग पासवान सिवान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गोल्डन के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी है, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन से मांग भी की है। मृतक के पीड़ित बहन से बात करने के दौरान चिराग पासवान ने सिवान SP को तुरंत कॉल लगा दी और कहा कि अपराधियों की पहचान कर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन भी दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की काफी सुस्ती दिख रही है, अगर इस मामले में पुलिस प्रशासन के लोग भी दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि बीते 19 जून को न्यायालय कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान जब अपनी बहन को परीक्षा दिलाने गया हुआ था, जब वो बाइक से वापस लौट रहा था, इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने गोल्डन की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसको लेकर परिजनों ने कहा था कि जमीनी विवाद को लेकर मुन्ना चौधरी के द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जिस तरीके से और गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है, पर परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर है या मेन आरोपी है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी SP साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का, उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद FIR में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लिपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर
हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता है, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो हत्या हुई थी, 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को पाकिस्तान में रखकर के कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से 6 गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है, तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है भाई, वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं, उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर, एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिनों पहले यहाँ से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है, पर परिवार का कहना है कि जिस तरीके से एक में शाम करवा परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर है या मेन आरोपी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का, उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद एफआईआर में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लिपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता है, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जब हत्या हुई थी, 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को पाकिस्तान में रख करके वहाँ पे कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह गोली के निशान से 6 गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है, तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। सर, केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है भाई, वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं, उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर, एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधी ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, तो सीमान में लगातार अपराधी ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए 3 एक परिवार में। मैं आपके भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा,
भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और अगर लापरवाही अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाए। हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक दौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा अगर ये भी अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं।